बताया था कि इनके 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे एक स्पेशल वीडियो आने वाली है, तो उसी के बारे में बात करते हुए ऋतिक भाई ने कुछ ये कहा। गाइस स्पेशल वीडियो कब आएगी, स्पेशल वीडियो पे काम करना बाकी है, थोड़ा बिजी थे गाइस इतने दिन से तो काम नहीं हो पाया, बिजी थे इसलिए, और जल्दी आ जाएगी। ये क्या हो गया ना गाइस, ये क्वारंटाइन की वजह से ना एक्चुअली हम किधर जा नहीं पा रहे, तो वो माइंड फ्रेश नहीं हो रहा है, गेम 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 गेम, तो एक ब्रेक चाहिए। तो जब क्वारंटाइन सॉर्ट हो जाएगा बहुत सा न्यू कॉन्टेंट डालेंगे, बहुत मज़ा आएगा बस एक ब्रेक मिलने के बाद, तो बस वेट कर रहे हैं यार वो ब्रेक कब मिलेगा। सो लेट्स सी इनकी तरफ से हमें वो स्पेशल वीडियो देखने को कब तक मिलता है। सो चलिए बढ़ते हैं अगले स्टोरी की तरफ, एंड हम बात करने वाले हैं अनग्रेजुएट गेमर के बारे में। तो रिसेंटली एक न्यूज चैनल ने न्यूज कवर किया ये बोल के कि गरेना ने इनको टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया क्योंकि इनके टीम में हैकर था, एंड इसी चीज का रिप्लाई देते हुए उन्होंने कुछ ये कहा। एंड गाइस कुछ दिनों से मैं ये नोटिस कर रहा हूँ, कमेंट आ रहा है कि भाई तेरी टीम डिस्क्वालीफाई हो गई है, तू हैकर है, ये सब मतलब मैं बहुत नोटिस कर रहा हूँ इन चीज़ों को। तो मैंने थोड़ा सा पता लगाया, तो भाई ये कमेंट्स आ रहे हैं कुछ लोगों की वजह से जो कि फेक न्यूज़ दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई मेरी टीम FFC से डिस्क्वालीफाई कर दी है हैक की वजह से। ओके तो भाई लोग मेरे को नहीं पता यार, ये लोग बिना कंफर्म किए ऐसी बातें कैसे बोल सकते हैं। एंड मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बता दूँ जिनके मन में थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है, आज भी हमारी टीम UG Empire के मैचेस है FFC के, आज हमको क्वालिफाई करना ही करना है, अगर हम नहीं करते आज क्वालिफाई तो हम नेक्स्ट वाले राउंड में नहीं जाएंगे, डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे गाइस। ठीक है गाइस, आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। सो ये सर आप इस टॉपिक के ऊपर क्या सोचते हो, मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। सो आगे बढ़ने से पहले मैं बात करना चाहूंगा 1xBet के बारे में। तो ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पे आप डेली क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस के लाइव मैचेस 24/7 अपने मोबाइल पे देख सकते हो। फर्स्ट डिपॉजिट पे 1xBet आपको देता है 100% बोनस अप टू 1000 रुपीज, विच मीन्स आपके डिपॉजिट के अमाउंट जितना आपको बोनस मिलेगा। सो अब बात करते हैं 1xBet के नए प्रमोशन e-sport era this free winning के बारे में, एंड इसमें आप बिना किसी रिस्क के अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले रजिस्टर कर लेना है, अगर आपने पहले से कर रखा है तो आप लॉग इन भी कर सकते हैं, या फिर अगर अभी तक आपने नहीं किया तो जल्द से जल्द रजिस्टर कर लीजिए अपना पहला 100% डिपॉजिट बोनस पाने के लिए। अर्न फ्रॉम एनी e-sport इवेंट, यानी कि आप किसी भी e-sport इवेंट से पैसा कमा सकते हैं। अपकमिंग इवेंट की लिस्ट आपको नीचे स्क्रॉल करने पे दिख जाएगी। गेट रिफंड फॉर योर लूजिंग, यानी कि अगर आप पैसा हार जाते हैं तो आपको हार हुए पैसे जितना रिफंड भी मिल जाएगा। तो ये है अपकमिंग e-sport इवेंट की लिस्ट, इससे आप बिना किसी डर के पैसा जनरेट कर सकते हैं। सो लिंक मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में पिन करके दे दिया है, आप सभी लोग जरूर से ट्राई करना। सो चलिए बढ़ते हैं अगले स्टोरी की तरफ, एंड हम बात करने वाले हैं देसी गेमर के बारे में। तो आज इंस्टाग्राम पे उन्होंने छोटा सा Q&A सेशन रखा था, तो उसी में से एक सब्सक्राइबर ने पूछा फेस कैम लाइव स्ट्रीम कब होगा। तो इसी का रिप्लाई देते हुए अमित भाई बोले जब ये COVID-19 खत्म हो जाए, बट यस 5 मिलियन में तो एक स्पेशल वीडियो बनता है #facecam। तो गाइस मेरे हिसाब से मे बी ये Q&A वीडियो हो सकता है, आपको क्या लगता है मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताएगा। सो चलिए बढ़ते अगले स्टोरी की तरफ, एंड हम बात करने वाले हैं टोटल गेमिंग के बारे में। तो कल अज्जू भाई ने फ्री फायर गेम छोड़कर पबजी मोबाइल को ट्राई किया था, बट इसमें उनको उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला क्योंकि काफी सारे लोग एक ही टाइप का कमेंट बार बार स्पैम कर रहे थे जिसमें लिखा था #unsubscribe, रिपोर्ट या फिर डिसलाइक। तो इस चीज के बारे में बात करते हुए उन्होंने कुछ ये कहा। पबजी देखो ना यार, तुम लोग डिसलाइक वालों ऐसे देखो ना यार, तुम्हें दूसरी गेम हजम क्यों नहीं होते, मेरे को ये समझ नहीं आता यार, खेलने के लिए खेल रहे सर जी यार। हाँ मैंने FF छोड़ दिया गाइज, मैंने FF छोड़ दिया, आपसे मैं PUBG ही खेलूंगा क्योंकि FF में वो मजा नहीं आ रहा है बोल रहा हूँ, जबकि यार FF मैंने एक दिन के लिए एक दिन नहीं खेलूंगा, बाकी फ्री फायर ही खेलूंगा, बट तुम लोगों को FF ही पड़ी हुई यार, फ्री फायर बाद में खेलेंगे यार, वो डेली खेलते, आज एक बार नया ट्राई किया ना। ला 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 फ्री फायर वालों से PUBG हजम नहीं होती यार, ये बात सच है। फ्री फायर दूसरी गेम नहीं हजम होती, मैंने देखा, देखो चैट देखो, डिसलाइक वगैरह वगैरह, भाई साहब गेम कोई भी हो खेलने से मतलब रखो ना गाइस, वैसा थोड़ी है कि फ्री फायर ही खेलना है। सो चलिए बढ़ते अगले स्टोरी की तरफ, एंड हम बात करने वाले हैं स्काई लॉर्ड के बारे में। तो रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो डाला जहां पे वो काइंड ऑफ न्यू या फिर पुराने यूट्यूबर्स को मैसेज दिए हैं, तो अगर आपको देखना है तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ अचीवमेंट्स के बारे में। सो तमिल फाइल ने कंप्लीट कर लिया है 100K सब्सक्राइबर्स, राकेश ने कंप्लीट कर लिया है 400K सब्सक्राइबर्स, एंड ज्ञान गिवन ने कंप्लीट कर लिया है 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो यस माय हार्टी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मैं आपको मिलूंगा फिर किसी और वीडियो में, टिल एंड टेक केयर, बाय बाय।